अरे जलपा, तू क्यारनिया शू करे छे? ये देखिए, अरे वाह, खाली वाह वाह ही बोलती रहोगी बड़ी भाभी और बड़ी बहन। जहरीले लोग, पहले मुझे शाबाशी तो दो। अरे देखो तो सही, मैंने कितनी प्यार और मेहनत से हमारी देवरानी की विदाई का समारोह का आयोजन किया है ना? क्या बात है मोटा भाभी, देखिए ना इसके ठप दिमाग की गाड़ी कभी कभी कैसे दौड़ने लगती है ना? पर यू पीपल नॉलेज, देखो जब हम किसी का स्वागत करते हैं ना तो उसका मुंह मीठा करते हैं, लेकिन हम तो हमारी देवरानी की विदाई करने वाले हैं, इसलिए उसका मुंह हम लोग कड़वा करेंगे। तभी तो मैंने जहरीला कड़वा काढ़ा बनाया है, वो स्वाद और मुझे जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। लेकिन वो महारानी है कहाँ? हाँ ये देखिए आ गई। अगर मैं इस घर में पैसों के लिए आई होती तो वो तो मैं कब की लेके यहाँ से चलती बनी होती। मैं यहाँ आई सिर्फ और सिर्फ आस्था के लिए। सताप, ये तो बेवकूफ है ही, लेकिन तुम सब भी इसके साथ इसके जैसी हो रही हो। अरे ये मजाक का वक्त नहीं है। अभी समय बर्बाद किए बिना हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये पूजा का राज क्या है। मोटा भाभी, मने लागे छे कि काकी जी के किसी ने कान भरे हैं और वो दिवाओ। बड़ी भाभी सा, काकी सा फोन पर किसी विद्वान और गुणी पंडित को बुलाने की बात कर रही थी और कह रही थी कि कोई शांति हवन रखा गया है। ठीक है, तुम लोग कमरे में जाकर ढूंढने की कोशिश करो, हो सकता है कोई और जानकारी अभी मिल जाए। बड़ी भाभी सा ने कहा है कि कुछ और जानने की कोशिश कीजिए, अंदर जाइए। मैं ही जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। आ जाओ। जलपा, ठीक है परुल? जी मोटा भाभी। मोटा भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मोटा भाभी, हम लोग कल की पूजा की तैयारी करते हैं। ठीक है। आओ बेटा बैठो, क्या बात करनी है? क्या हुआ मोहन, तू इतना परेशान क्यों है? मोटा भाभी, पता नहीं क्यों लेकिन मेरे मन पर बोझ सा आ गया है। लगता है वृंदा को इस घर से जाने के लिए कहना मेरी भूल थी। क्या उसे घर से निकालना सही होगा?